गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एन एकेडमी। तो आज हम देखेंगे फोर बार मैकेनिज्म देखेंगे, फोर बार मैकेनिज्म और उसके इन्वर्जेंस। फिर हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखेंगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर में इन्वर्जेंस देखेंगे, फोर बार मैकेनिज्म और उसके इन्वर्जेंस। गुड मॉर्निंग साई तेजा। तो स्टार्ट करेंगे फोर बार मैकेनिज्म। आपने देखा हुआ है अभी तक तो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन। यू कैन गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमीज वेर यू कैन हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं दिस लेक्चर, सो गुड मॉर्निंग राहुल कुमार ME39। राहुल कुमार ME39, ये 39 आपका टारगेट है क्या? AR39। रोल नंबर है। ओके तो मेरे भाई 39 रैंक का टारगेट अच्छा है, आप टारगेट भी बना सकते हो इसको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम सिंपल मैकेनिज्म, फोर बार मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग का नहीं देखा है तो आप पहले के दो लेक्चर्स हैं, कल और परसों का लेक्चर है, वो आप देख लेना। तो सिंपल मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फोर बार मैकेनिज्म से सबसे पहले देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आती हैं एग्जाम के अंदर, पढ़ना हमें इतना नहीं रहता है, पढ़ना हमें बहुत कम रहता है, जबकि एक्चुअल में जो चीजें पूछी जाती हैं वो फोर बार मैकेनिज्म से आता है, मोस्टली फोर बार मैकेनिज्म और सिंगल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जेंस और फोर बार के इन्वर्जेंस। इसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं है, डबल स्लाइडर के बहुत कम पूछे जाते हैं। और मैकेनिज्म दिखने में बहुत आपको लगेगा कि यार ये मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन मैकेनिज्म्स पे हम ध्यान देंगे, फोर बार पे। फोर बार मैकेनिज्म को क्वाड्रिक साइकिल मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्वाड्रिक साइकिल मैकेनिज्म या फोर बार मैकेनिज्म, फोर बार है मैकेनिज्म है मतलब कि इसके अंदर सिंपल है, चार बार्स होते हैं, फोर बार्स होते हैं, चार बार्स हैं जिसमें आप ये एक फोर बार मैकेनिज्म है। होता यह है कि चार बार मैकेनिज्म में देर आर फोर लिंक्स, द नंबर ऑफ लिंक्स इज फोर एंड ऑल दी आर टर्निंग पेयर्स, सारे पेयर्स आर टर्निंग पेयर्स। तो चारों लिंक्स के बीच में जो पेयर बनते हैं वो टर्निंग पेयर बनते हैं, और ये काइनेमेटिक चेन है जिसमें हम एक लिंक को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि काइनेमेटिक चेन में जब एक लिंक को फिक्स करोगे तभी मैकेनिज्म बनता है। तो ये आपका लिंक नंबर वन, लिंक नंबर वन मैंने फिक्स कर दिया है, लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री और लिंक नंबर फोर। चार बार मैकेनिज्म में चार लिंक्स हैं, ये आपकी डायरेक्टली फोर बार्स हैं विद द टर्निंग पेयर, आपके चारों को कनेक्ट किया है एक पिन से, चार बार उठाई और उन चारों बारों को कनेक्ट किया पिन जॉइंट से, चारों पिन जॉइंट है, 1 2 2 3 3 4 और 1 4 के बीच में चार टर्निंग पेयर बन रहे हैं आपके। तो चार लिंक्स हैं, चार टर्निंग पेयर्स हैं।
देखिए क्या होता है, लिंग नंबर वन को फिक्स करने के बाद, लिंग नंबर वन को जब फिक्स किया तो मैं लिंग नंबर टू पर, लिंक नंबर टू पर मैं इनपुट दे सकता हूं या फिर मैं लिंक नंबर टू पर आउटपुट मिलेगा, लिंक नंबर टू पर इनपुट देने पर लिंक नंबर फोर पर आउटपुट मिलेगा, और लिंक नंबर फोर पर इनपुट देने पर, लिंक नंबर फोर पर इनपुट देने पर लिंक नंबर टू पर आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट लिंक कैसे बता रहे हैं कि किसे इनपुट आउटपुट बोल रहे हैं, जो लिंक नंबर फिक्स के एडजेसेंट होते हैं, जो फिक्स लिंक के जस्ट एडजेसेंट होते हैं, फिक्स लिंक के बगल में होते हैं। जैसे यहाँ पर लिंक नंबर वन को फिक्स किया है तो या तो ये जो एडजेसेंट है या इनपुट बनेगा या फिर ये आउटपुट बनेगा। इसी तरह से फोर्थ लिंक जो है आपका लिंक नंबर फोर, या तो ये आउटपुट बनेगा या फिर ये इनपुट बनेगा। और जो फिक्स के अपोजिट रहता है, फिक्स के जस्ट अपोजिट, ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा है, फिक्स लिंक के जस्ट एडजेसेंट वाले होते हैं, या तो इनपुट या आउटपुट लिंक वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो फिक्स के जस्ट अपोजिट में है, फिक्स के अपोजिट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलर। कपलर और कपलिंग रोड बोलते हैं इसको। देखिए समझिए, बहुत जरूरी है ये मैकेनिज्म समझना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड पोजीशन को देखना जरूरी है, फिक्स्ड पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन ही गवर्न करता है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा कपलर है। फिक्स्ड पोजीशन विल गवर्न, फिक्स्ड पोजीशन गवर्न करता है इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताएं आपको, कंप्लीट रोटेशन। अगर कोई चीज कंप्लीटली रोटेट करती है या फिर पार्शियली रोटेट करती है, तो कंप्लीट रोटेट करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इफ एनी थिंग इज रोटेटिंग कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री से कंप्लीट रोटेशन, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रोटेशन विल बी नोन एज, कंप्लीट रोटेशन को आप बोलेंगे क्रैंक। जो पार्ट कंप्लीटली रोटेट करेगा, पूरी तरह से रोटेट करेगा, 360 डिग्री वापस नहीं आएगा एक डायरेक्शन में, मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वो पूरी तरह से रोटेट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं, उस पार्ट का नाम होता है क्रैंक। जैसे आपकी आईसी इंजन में क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारी करंट, जितने सिलेंडर होते हैं उतनी क्रैंक लगी होती है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर उतनी ही क्रैंक लगती है जितने सिलेंडर होते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट के साथ, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक दोनों एक ही लिंक कंसीडर करते हैं, तो कंप्लीट रोटेशन होता है, कंप्लीट रोटेशन पार्ट को इसलिए बोलते हैं क्रैंक। अगर कंप्लीट रोटेशन नहीं है, पार्शियल रोटेशन है, पार्शियल रोटेशन मतलब 360 डिग्री नहीं है, रोटेट करी जा रही है, कभी डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। ये एक हिंज है, हिंज से मैंने इसको जोड़ा, ये कभी इधर आएगी क्लॉकवाइज, फिर आएगी एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह का जो पार्शियल रोटेशन है, पार्शियल रोटेशन को बोलते हैं हम ऑसिलेशन, पार्शियल रोटेशन या ऑसिलेशन। और इस पार्ट को, जो ये पार्ट होता है, जैसे क्रैंक इसका नाम है कंप्लीट रोटेट वाले पार्ट का, तो जो पार्ट पार्शियली रोटेट करता है, जो पार्ट ऑसिलेट करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रॉकर, रॉकर और लीवर। जो पार्ट पार्शियली रोटेट करता है, उस पार्ट का नाम है रॉकर या लीवर। कंप्लीट रोटेट करेगा तो उस पार्ट को बोलेंगे क्रैंक। आपने अभी नाम सुने होंगे कि क्रैंक, एक होता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, एक होता है डबल रॉकर मैकेनिज्म, एक होता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, रोटेट कर पा रही है। अगर दोनों ही पार्ट इनपुट भी पार्शियली रोटेशन में है, दोनों ही पार्ट इस पार्शियली रोटेशन में है, तो उनको बोलते हैं डबल रॉकर और डबल लीवर। और अगर पार्ट आपका एक कंप्लीट रोटेशन में है और दूसरा पार्शियली रोटेट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन में है, दूसरा पार्शियली रोटेट करता है, ऑसिलेट करता है,
तो उसको हम बोलते हैं क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म या क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। ये सारे जो मैंने नाम बताए ये क्या हैं? ये हैं इन्वर्जन्स। ये जो मैंने आपको अभी भी नाम बोले ये हैं इन्वर्जन्स, क्रैंक रॉकर, डबल क्रैंक, ये सारे इन्वर्जन्स हैं। इन्वर्जन्स का मतलब कुछ भी नहीं है। देखो काइनेमेटिक मैकेनिज्म में क्या क्या बताया हमने कि मैकेनिज्म का मतलब है ऐसी काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म का मतलब ऐसी काइनेमेटिक चेन जिसके अंदर एक लिंक फिक्स हो, एक ऐसी काइनेमेटिक चेन जिसमें एक लिंक फिक्स किया जाए वो होता है मैकेनिज्म। तो अगर चार लिंक्स हैं जहां पर आप फोर बार में देख रहे हैं तो चार लिंक्स को वन बाय वन फिक्स कर सकते हैं आप। अगर नंबर ऑफ लिंक्स फोर हैं तो आप एक काइनेमेटिक चेन ले लो, काइनेमेटिक चेन में फोर लिंक्स हैं तो उनको मैकेनिज्म अगर बनाना है तो वन बाय वन फिक्स करेंगे अलग अलग लिंक को। तो ये जो प्रोसेस है ओबटेनिंग द अलग अलग लिंक्स, ओबटेनिंग द अलग अलग लिंक्स या मतलब डिफरेंट लिंक्स को ऑब्टेन करने का जो मेथड है, दिस इज योर इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय, मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय फिक्सिंग डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स वन आफ्टर दी अदर। मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय फिक्सिंग डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स वन आफ्टर दी अदर। एक मैकेनिज्म उठाओ उसमें एक लिंक को फिक्स करो तो ये जो फिक्स कर करके हम अलग अलग मैकेनिज्म ऑब्टेन करते हैं अलग अलग, व्हेन वी फिक्स द डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स वन आफ्टर दी अदर, तो ये सारे और ये जो भी अभी नाम हमने सुने हैं ये सारे के सारे हैं इन्वर्जेंस। किसके इन्वर्जेंस? फोर बार के, क्रैंक क्रैंक रोकर, डबल रोकर। नंबर ऑफ इन्वर्जेंस कितने पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ इन्वर्जेंस कितने पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ लिंक्स होंगे क्योंकि एक लिंक को फिक्स करने पर, एक लिंक को फिक्स करने पर एक मैकेनिज्म मिलता। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स हैं। एक इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? फिक्स वन लिंक, एक लिंक को फिक्स करो तो इन्वर्जन मिल जाएगा। अब अगर जितने ज्यादा लिंक्स हैं उतने ज्यादा फिक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो फिक्स होंगे नहीं। सो नंबर ऑफ इन्वर्जेंस, नंबर ऑफ इन्वर्जेंस विल बी ऑलवेज लेस देन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट कैन, नंबर ऑफ इन्वर्जेंस विल बी ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू एल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्राशॉफ्स लॉ। ये जो भी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इस पार्ट से क्वेश्चन हर बार आता है, इस पार्ट से क्वेश्चन हर बार आता है। तो देखो ग्राशॉफ्स लॉ क्या कहता है? देखो ग्राशॉफ्स लॉ ये कहता है, ग्राशॉफ्स लॉ ये बोल रहा है कि ये सिर्फ फोर बार मैकेनिज्म के लिए, ग्राशॉफ्स लॉ जो है वो फोर बार मैकेनिज्म के लिए ही है। ये कह रहा है कि एक फोर बार मैकेनिज्म में, फोर बार मैकेनिज्म में अगर कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन, कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन का मतलब कंटिन्यूअस है मतलब कि वो ब्रेक ना हो। एक तो सुन लो ध्यान से, कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन, कंटिन्यूअस का मतलब वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, द डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। और रिलेटिव मोशन कितने कितने रिलेटिव मोशन पॉसिबल हैं? जैसे चार लिंक्स हैं तो रिलेटिव मोशन के लिए हमेशा दो लिंक्स देखने हमें,
फॉर द रिलेटिव मोशन हमें हमेशा दो लिंक सेलेक्ट करने हैं और उन दो लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन देखना है। अब फोर बार मैकेनिज्म में जितने भी रिलेटिव मोशन पॉसिबल हैं, अगर उनमें से एक रिलेटिव मोशन हमें कंटिन्यूअस चाहिए, एक रिलेटिव मोशन कंटिन्यूअस चाहिए, तो होना ये चाहिए कि सम, मान लीजिए चार लिंक्स हैं आपके, चार लिंक्स हैं, एक लिंक है ए, एक लिंक है बी, एक लिंक है सी, एक लिंक है डी, तो जो सबसे छोटा लिंक होगा इनमें से लेंथ वाइज, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं हम, जो लिंक सबसे छोटा होगा वो, और जो लिंक सबसे लंबा होगा वो, फॉर द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन इन ए फोर बार मैकेनिज्म, हम ले रहे हैं सबसे छोटा लेंथ वाइज लिंक और सबसे लेंथी, मतलब कि शॉर्टेस्ट लिंक लिया एस, उसकी लेंथ प्लस लॉन्गेस्ट लिंक लिया एस प्लस एल, इन दोनों लिंक्स की जो लेंथ है वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती बाकी दो लिंक्स की लेंथ से। देखो ग्रैशॉफ्स लॉ ये कहता है कि द सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक, इन दोनों का जो सम है वो बड़ा नहीं हो सकता है किन दोनों से, बाकी अदर जो लिंक्स हैं उनकी लेंथ के सम से। मतलब कि अगर आप इन चारों लिंक्स में एक ही जो लेंथ है वो मानो एस, ए मान लो सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट है, बी मान लो लॉन्गेस्ट है, सी की लेंथ मान लो पी है और डी की लेंथ मान लो क्यू है, तो ग्रैशॉफ्स लॉ ये बोल रहा है कि अगर एस प्लस एल शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू, ये हमेशा कम होने चाहिए पी प्लस और ग्रैशॉफ्स लॉ मोशन चाहिए किसी फोर बार मैकेनिज्म में, सो एस प्लस एल शुड बी लेस देन इज इक्वल। और अगर ग्रैशॉफ्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है, इफ द ग्रैशॉफ्स लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन नहीं होगा। कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, ग्रैशॉफ्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ग्रैशॉफ्स लॉ सेटिस्फाई ना होने का मतलब है कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। तो ग्रैशॉफ्स लॉ ने बोला फॉर द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन इन ए मैकेनिज्म अगर कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन चाहिए तो द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन summation of length तो ग्रैशॉफ्स लॉ भी मतलब ये हुआ कि फॉर द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब रिलेटिव मोशन कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है।
मतलब कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया जाए तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट के रेस्ट को फिक्स करने पे मिलता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा, इफ एडजेसेंट टू फिक्स्ड इज एस, अगर जो एडजेसेंट टू फिक्स है, एडजेसेंट टू फिक्स को शॉर्टेस्ट बना दें, मतलब ये लिंक आप फिक्स कर दें, एडजेसेंट टू फिक्स इज शॉर्टेस्ट, ये जो फिक्स है इसके बगल में शॉर्टेस्ट रहे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये है और फिक्स ये है, द शॉर्टेस्ट लिंक इज लिंक वन एंड फिक्स इज लिंक फोर। अब जो रिलेटिव मोशन मिलेगा वो मिलेगा क्रैंक, एक कंप्लीट रोटेशन मिलेगा, एक रिलेटिव मोशन विल बी कंप्लीट, तो इसको हम बोलेंगे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। दिस विल बी नोन एज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। मतलब कहने का ये है कि फिक्स के एडजेसेंट वाले को इफ एडजेसेंट टू फिक्स इज मेड एज शॉर्टेस्ट बना दिया जाए एडजेसेंट के फिक्स में, तो वो बनेगा हमारा कौन सा लिंक, क्रैंक रॉकर। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म तीसरा, थर्ड वन, इफ कपलर इज मेड, कपलर को सबसे छोटा बनाया जाए, इफ कपलर इज मेड शॉर्टेस्ट, अगर कपलर को शॉर्टेस्ट बना दिया जाए, कपलर मतलब फिक्स के अपोजिट में, जो फिक्स लिंक है उसके अपोजिट में, क्योंकि फिक्स के एडजेसेंट पे तो इनपुट आउटपुट है, ये जो कपलर है अगर इसको शॉर्टेस्ट बना दिया जाए, तो देखो ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट तो ये है, अब शॉर्टेस्ट के बगल में जो एडजेसेंट है ये जो फिक्स वाला लिंक है, इसके अगल बगल वाले इनपुट आउटपुट जो लिंक्स हैं ये, तो अगर कपलर को शॉर्टेस्ट बना दिया जाए, कपलर को आप शॉर्टेस्ट बना दोगे तो कौन सा लिंक बनेगा, कौन सा मैकेनिज्म बनेगा, तब आपका कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। इफ कपलर इज मेड शॉर्टेस्ट, कपलर को शॉर्टेस्ट बनाने से क्या होगा, एक भी रिलेटिव मोशन कंप्लीट नहीं मिलेगा, कंप्लीट रोटेशन विल नॉट बी पॉसिबल इफ कपलर इज मेड शॉर्टेस्ट। कपलर को शॉर्टेस्ट बनाने से देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन विच इज कंप्लीट, दोनों ही जो लिंक होंगे, दोनों ही लिंक होंगे वो कैसे रोटेट कर पाएंगे, पार्शियली रोटेट करेंगे, पार्शियली रोटेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, पार्शियली रोटेशन या ऑसिलेशन को बोलते हैं रॉकर। दो पार्शियल रोटेशन है मतलब कौन सा मैकेनिज्म,
डबल रॉकर और डबल लीवर। डबल रॉकर और डबल लीवर मैकेनिज्म। तो ये पहला केस था जब s प्लस एल लेस देन p प्लस q थे। नाउ सेकंड केस इज व्हेन s प्लस एल इज इक्वल्स टू p प्लस q। जब s प्लस एल मतलब शॉर्टेस्ट की लेंथ प्लस लॉन्गेस्ट की लेंथ इज इक्वल्स टू p प्लस q है, क्योंकि लेस देन p प्लस q तो पॉसिबल है। सो जब ये इज इक्वल्स टू p प्लस q है अब इसमें इज इक्वल्स टू में दो केस हैं, एक तो नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स और एक होता है पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स। ये पॉसिबल है having pair of equal links। pair of equal links का मतलब है जो चार links लिया आपने, मान लीजिए एक की length है दो और एक की length है चार, एक की length दो एक की length चार, मतलब कि अगर आप इस तरह के link रखें मतलब pair of equal links ये जोड़ा रहेगा तो 2 plus 4 6 2 plus 4 6 is equals to, ये ऐसे भी आ सकता है। या फिर आप एक तो रखें 2 plus 4 और एक रखें 1 plus 5, तो 2 plus 4 1 plus 5 यानी शॉर्टेस्ट लिंक 1, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट 5, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट 1 plus 5 6, ये इक्वल टू आएगा 2 plus 4 के। ऐसा भी हो सकता है और दूसरा केस ये भी हो सकता है पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स। तो अगर नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स, पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स नहीं है तो सेम एज अबव, वही सारे बनेंगे जो अभी लास्ट केस में देखे थे। मतलब लास्ट केस कौन सा, एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू वाला। एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू वाला केस अब डिस्कस करते हैं। हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स, जब इक्वल लिंक्स होते हैं तब क्या होगा। एक तो होता है पैरेललोग्राम लिंकेज, पैरेललोग्राम लिंकेज, पैरेललोग्राम लिंकेज का मतलब है पैरेललोग्राम बना लें, एक पैरेललोग्राम है और ये फिक्स, इस लिंक इज फिक्स। दो पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट, यहाँ पे तो दो ही लेंथ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट, ये इक्वल है दोनों और ये दोनों बड़े हैं, तो दिस इज लेंथ एल, दिस इज लेंथ एल, टू शॉर्टेस्ट एंड टू लॉन्गेस्ट, एस टू एस एंड टू एल। अब मुझे बताओ जरा, एस को फिक्स करेंगे, शॉर्टेस्ट को फिक्स करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म आएगा।
इफ वी फिक्स द शॉर्टेस्ट तो कौन सा मैकेनिज्म आएगा बताओ। शॉर्टेस्ट को फिक्स करो, देखो शॉर्टेस्ट फिक्स करेंगे तो पता ही है हमें, जब शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं तो दो रिलेटिव मोशन आते हैं डायरेक्टली, आप बता सकते हो डबल क्रैंक। तो इस ये वाला शॉर्टेस्ट को फिक्स करो लेफ्ट वाले को, चाहे राइट वाले शॉर्टेस्ट को फिक्स करो, मिलेगा डबल क्रैंक ही। अगर एल को फिक्स करें एल इज फिक्स, देखो एल को फिक्स करने से क्या होगा, एल को फिक्स किया तो एल के एडजेसेंट में एस है और एल के एडजेसेंट में शॉर्टेस्ट है, तो बोलो एस को फिक्स एल को फिक्स करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म आएगा। एल को फिक्स करने का मतलब ये जो आपने एल है इसको फिक्स किया हुआ है, तो एल को फिक्स करेंगे तो फिक्स टू एडजेसेंट, जो एडजेसेंट लिंक होता है फिक्स के जो एडजेसेंट में लिंक होता है अगर वो शॉर्टेस्ट होता है, अगर एडजेसेंट टू फिक्स इज शॉर्टेस्ट तो क्रैंक रॉकर बनता है, अगर शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हो तो डबल क्रैंक बनता है। ये तो पहले वाले केस में भी देखा था, शॉर्टेस्ट फिक्स करना मतलब डबल क्रैंक बनना, और अगर एडजेसेंट टू फिक्स्ड मतलब फिक्स कौन सा है एल, इसके एडजेसेंट में एस, इसको फिक्स करते हो तो क्रैंक रॉकर बनता था, ये बताया था। तो अगर एल को फिक्स करेंगे हम यहां पर, एल को फिक्स करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट लिंक है, शॉर्टेस्ट एडजेसेंट हो गया तो ये क्रैंक हो गया, मतलब कि एक रोटेशन पूरा मिल गया, लेकिन इसके बगल में जो दूसरा लिंक है वो भी शॉर्टेस्ट है। एल के बगल में, एल के एडजेसेंट में शॉर्टेस्ट है एस, और तो ये बताता है क्रैंक रॉकर, बट दो शॉर्टेस्ट हैं, दोनों इक्वल हैं और एडजेसेंट टू फिक्स है, तो एडजेसेंट टू फिक्स में दो शॉर्टेस्ट आ रहे हैं, एक शॉर्टेस्ट आता है तो कंप्लीट रोटेशन हो ही रहा था क्रैंक रॉकर, और अगर दो आ रहे हैं तो फिर से बनेगा डबल क्रैंक। तो एल को फिक्स करो या एस को फिक्स करो, यहाँ पे पैरेललोग्राम लिंकेज में हमेशा ही होता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म।
एक दूसरा होता है डेल्टॉइड लिंकेज, डेल्टॉइड लिंकेज। डेल्टॉइड लिंकेज में क्या होता है, वही पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स है, तो यहां पे दो इक्वल लिंक्स जो है उनको एक साथ जोड़ते हैं। जो शॉर्टेस्ट है दोनों छोटे वाले उनको एक साथ जोड़ते हैं, और जो दो लॉन्गेस्ट है वो एक साथ जोड़ेंगे। ये रहेगा आपका डेल्टॉइड लिंकेज, मतलब ये वाले की लेंथ एस और फिक्स की भी लेंथ एस, इसकी लेंथ एल और इसकी लेंथ एल। अब इसमें बताओ अगर एस को फिक्स करेंगे, बोलो भाई एस को फिक्स करेंगे तो कौन सा लिंक बनेगा? एस को तो किसी भी फिक्स केस में फिक्स कर लो, अगर शॉर्टेस्ट को फिक्स करोगे, शॉर्टेस्ट को फिक्स करने पर हमेशा ही मिलता है डबल क्रैंक। शॉर्टेस्ट को तो फिक्स करने से ऑलवेज मिलेगा डबल क्रैंक कहने से। अगर एल को फिक्स करेंगे यहां पर, एल को फिक्स करने पर कोई भी है, एल को फिक्स कर लो, तो एल को जब फिक्स करोगे तो एडजेसेंट में शॉर्टेस्ट मिलेगा, इसके एडजेसेंट में एक शॉर्टेस्ट मिलेगा। अगर इस एल को फिक्स करोगे, दो एल हैं तो दोनों के एल में कोई से भी एल को फिक्स करो, एडजेसेंट में एक शॉर्टेस्ट है। जब एडजेसेंट में एक शॉर्टेस्ट है तो एडजेसेंट में एक शॉर्टेस्ट है तो क्रैंक, एक तो रोटेशन कंप्लीट होगा तो एक तो क्रैंक हमें मिलेगा ही। तो एल को फिक्स करने पर हमें मिलेगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। शॉर्टेस्ट को फिक्स करने पर मिलता है डबल क्रैंक, और एल को फिक्स करने पर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। एंड इफ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लॉ सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। अगर एस प्लस एल पी प्लस क्यू से बड़ा है तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन इज नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है और कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो एक भी हमें क्रैंक नहीं मिलेगा, विल गेट ए डबल रॉकर मैकेनिज्म। हमें मिलेगा डबल रॉकर मैकेनिज्म। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसके जो हैं, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फोर बार। फोर बार के जो इन्वर्जन्स देखे उनके हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर देखेंगे तो एक होता है बीम इंजन।
बीम इंजन भाई। सर चेंज वॉट का ये है बीम इंजन। तो बीम इंजन क्या करेगा, बीम इंजन फिक्स कौन सा है, फिक्स है आपका शॉर्टेस्ट, फिक्स नहीं है, शॉर्टेस्ट को फिक्स नहीं किया है, जो फिक्स है उसके एडजेसेंट में शॉर्टेस्ट है। ये शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट है ये कंप्लीट रोटेशन करता है। और ये सिंपल जो कपलर था आपका, कपलर, कपलर को हम जोड़ते हैं किससे, ये ऐसे होता है मैकेनिज्म। अब ये जो ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर ये कोई अलग लिंक नहीं है, ये पूरा एक ही लिंक है, लिंक वन इज फिक्स, ये लिंक वन ही है, ये इसके फिक्स है। तो जो रिजिडली अटैच होते हैं एक दूसरे से वो एक ही लिंक बनाते हैं, सो ये एक ही लिंक है, फिक्स लिंक वन। देन दिस लिंक इज लिंक टू क्रैंक, फिर तीसरा कपलर लिंक थ्री, और फिर ये है लिंक फोर। ये जो प्लेट दिख रही है आपको, दिस प्लेट इज लिंक नंबर फोर। तो होता ये है आउटपुट लिंक, देखो ये लिंक वन फिक्स है, इसके एडजेसेंट में है लिंक टू और है लिंक फोर, लिंक टू और लिंक फोर जो है वो फिक्स के एडजेसेंट में है। तो ये होगा कौन सा मैकेनिज्म होता है, क्रैंक रॉकर है ये, क्योंकि एडजेसेंट टू फिक्स, एडजेसेंट टू फिक्स शॉर्टेस्ट है, तो ये क्रैंक रॉकर है। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म ये क्या करता है, रोटरी टू ऑसिलेशन। देखो ये लिंक नंबर टू है, यहां पर अगर इनपुट देंगे, लिंक नंबर टू पर इनपुट देंगे तो लिंक फोर जो है वो ऑसिलेट करेगा, ये हिंज है, इस हिंज के अबाउट लिंक फोर विल ऑसिलेट, अगर लिंक टू रोटेट करेगा तो लिंक फोर विल ऑसिलेट, ऑसिलेट करेगा मतलब कि वो रॉकर है, क्रैंक से रोकर पे कैसा मोशन जा रहा है, इट इज कन्वर्टिंग रोटरी टू ऑसिलेशन, रोटरी टू ऑसिलेशन और ऑसिलेशन टू रोटरी। क्रैंक रोकर है, क्रैंक रोटेट करती है, रिंग जो लिंक नंबर टू है दैट इज क्रैंक, वो रोटेट करेगी और लिंक नंबर फोर ऑसिलेट करता है, लिंक नंबर फोर विल ऑसिलेट, सो दिस मोशन विल बी रोटरी टू ऑसिलेशन और ऑसिलेशन टू रोटरी। अगर लिंक फोर पे ऑसिलेशन आप देते रहे कंटिन्यूअसली, लिंक फोर पर ऑसिलेशन देते रहेंगे तो लिंक वन पर रोटेशन आएगा, लिंक फोर ऑसिलेट करेगा तो लिंक टू रोटेट करेगा, मतलब आप इनपुट आउटपुट दोनों ही लिंक टू पर दे सकते हैं और इनपुट आउटपुट लिंक फोर पर भी दे सकते हैं, लिंक टू पे इनपुट देंगे तो लिंक फोर पे आउटपुट मिलेगा रोटरी टू ऑसिलेशन, लिंक फोर पे इनपुट देंगे तो लिंक टू पे आउटपुट मिलेगा ऑसिलेशन टू रोटरी।
फिर एक दूसरा है कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, जो लोकोमोटिव्स होते हैं ट्रेन के, जो इंजन होते हैं ट्रेन के, जो लोकोमोटिव मतलब ट्रेन, उसमें जो कपलिंग रोड होती है, कपलिंग रोड यानी कपलर जो बताया था फोर बार में, ये कपलिंग रोड। इस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, दिस विल रोटेट, ये रोटेशन रहेगा और इसका भी रोटेशन रहेगा। कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, ये कौन सा मैकेनिज्म है? डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स है, डबल क्रैंक, पैरेललोग्राम लिंकेज। तो दीज आर द इन्वर्जन्स ऑफ फोर बार मैकेनिज्म, ये हमने पढ़े सारे फोर बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स। यहां पे कंप्लीट होता है फोर बार मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये हुआ कौन सा मैकेनिज्म? फोर बार। फोर बार के सारे इन्वर्जन हमने पढ़े। अब नेक्स्ट है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखेंगे और उसके इन्वर्जन हम देखेंगे। देखिए ये कुछ ये आपके कुछ एनिमेशंस हैं, एनिमेटेड देखिए फोर बार मैकेनिज्म के कुछ एनिमेशंस देख लेते हैं। ये आपका कौन सा मैकेनिज्म है जो अभी भी देखा था हमने? पैरेललोग्राम लिंकेज, पैरेललोग्राम मैकेनिज्म है ये, डबल क्रैंक जिसको आप बोलते हैं, डबल क्रैंक। तो ये देखिए जिस तरह से होता है, दोनों जो क्रैंक है वो देखिए कंप्लीटली रोटेट कर रही हैं, बोथ द क्रैंक्स आर रोटेटिंग कंप्लीटली। ये कपलिंग रोड हो गई, ऊपर वाला जो जो हॉरिजॉन्टल रेड कलर में जो बार दिख रही है, हॉरिजॉन्टल रेड कलर में, ये कपलिंग रोड है। और आपकी जो दो इंक्लाइंड रोड्स दिख रही हैं, ये दोनों आपके क्रैंक्स हैं। तो बोथ दीज क्रैंक्स आप देख सकते हैं, बोथ दीज क्रैंक्स आर रोटेटिंग कंप्लीटली। तो ये एक एनिमेशन है आपका किसका? कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, पैरेललोग्राम लिंकेज का। फिर एक ये है, ये भी फोर बार का ही है।
देखो लिंक, फिक्स लिंक जो है वो नीचे दिख रहा है, लिंक नंबर वन फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक और जो रोटेट रोटेट कर रहा है रेड वाली छोटी वाली जो है, जो छोटी रेड है स्मॉलर रेड, दैट इज योर क्रैंक, स्मॉलर रेड क्रैंक है, और क्रैंक और फिक्स लिंक एक पिन से अटैच है। सो फर्स्ट इज रोटेटिंग कंप्लीटली, जो स्मॉलर है वो रोटेट कर रही है कंप्लीटली, इसलिए वो क्रैंक है। और फिर दूसरी जो है दिख रही है, दूसरी जो है सेकंड वन जो बड़ी वाली रेड है, जब बिगर वन, ये आपकी कैसी है, ये आपकी कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रही, दिस इज नॉट रोटेटिंग कंप्लीटली, कंप्लीटली रोटेट नहीं कर रही है ये, दिस इज ओनली रोटेटिंग पार्शियली। ये है रोकर, तो ये आपका किसका एनिमेशन है, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म का। फिर एक ये है देखो, क्या दोनों रेड जो बिगर रेड्स हैं दोनों कंप्लीटली रोटेट कर रही हैं, बोथ द बिगर वंस आर रोटेटिंग कंप्लीटली, फिक्स कौन सा किया है, फिक्स किया है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट को फिक्स करने पर भी डबल क्रैंक बनता है, दिस इज ऑल्सो ए डबल क्रैंक मैकेनिज्म बाई फिक्सिंग द शॉर्टेस्ट लिंक। फिर ये देखो, ये कौन सा है, देखो दोनों ही रेड, द बोथ द रेड बार्स आर नॉट एबल टू रोटेट कंप्लीटली, कंप्लीटली रोटेट नहीं कर रही है ये, दोनों ही पार्शियली रोटेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, both these are rockers, so it is a double rocker mechanism, ये double rocker mechanism है, तो double rocker mechanism में और fix किसको किया गया है, adjacent to opposite to the fixed, जो fix है उसके opposite में है shortest, तो whenever the opposite to fix is shortest, तो मिलता है double rocker mechanism या double lever mechanism। ये सारे ऑसिलेशंस थे, सारे आपके इन्वर्जन्स थे फोर बार के, और नेक्स्ट इज योर, ये आपका एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक इन्वर्जन है, ये सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन, तो पहले हम पढ़ेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक, फिर उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्जन, तो पहले पढ़ लेते हैं, फर्स्ट वी विल स्टडी द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसके कौन कौन से इन्वर्जन्स हैं, और फिर हम आएंगे किस पर, एनिमेशन आपका देखेंगे हम, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में
सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंक्स? नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं फोर। तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, मतलब कि स्लाइडर एक, इसमें एक स्लाइडिंग है, एक स्लाइडर है, तो एक स्लाइडर है तो एक बनेगा आपका स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर रहता है एक तो, और बाकी के तीन रहते हैं टर्निंग पेयर। वन इज स्लाइडिंग पेयर एंड थ्री टर्निंग पेयर्स, इसलिए इसका नाम है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। एक क्रैंक रहेगी जो कंप्लीटली रोटेट कर पाएगी। तो जो फर्स्ट इन्वर्जन है इसका, फर्स्ट इन्वर्जन मतलब जो बेसिक वाला है, बेसिक जो इन्वर्जन है, जो आपने अभी तक देखा है, थोड़ा बहुत देखा होगा बेसिक, बेसिक वाले में किसको फिक्स रखते हो? सिलेंडर को फिक्स रखते हो। सिलेंडर रिमेन्स फिक्स। ये क्रैंक है, क्रैंक, और ये हिंज है, हिंज से फिक्स जॉइंट जुड़ा हुआ है। फिर ये आपका कनेक्टिंग रोड है, ये क्या है, क्रैंक है ये, जो कि रोटेट करती है। ये कनेक्टिंग रोड है, दिस इज कनेक्टिंग रोड। फिर ये क्या है, ये पिस्टन नहीं है, दिस इज नॉट पिस्टन, दिस इज क्रॉस हेड, क्रॉस हेड। और ये है गाइड्स, जिनके अंदर क्रॉस हेड इज रेसिप्रोकेटिंग। क्रॉस हेड से आपका जुड़ा हुआ है क्रॉस हेड से जुड़ा है पिस्टन। ये ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ होता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कनेक्टिंग रोड आपकी कनेक्ट है क्रॉस हेड से, क्रॉस हेड रेसिप्रोकेट करें गाइड में। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर पिस्टन रोड, ये पिस्टन रोड है और ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। अब देखो, पिस्टन और पिस्टन रोड एक दूसरे से रिजिडली अटैच है, यहां कोई हिंज नहीं है, ये पिस्टन। फिर ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर तो फिक्स है ही ऑलरेडी,
सिलेंडर जो है वो तो फिक्स है ही, जो फिक्स तो है वो पूरा लिंक वन ही माना जाता है। जो भी लिंक फिक्स है वो तो एक ही लिंक है। तो ये हो गए आपके चार लिंक्स। अब दिखने में यहां पर बहुत ज्यादा लिंक्स लग रहे हैं, बट देर आर ओनली फोर लिंक्स, सिर्फ चार लिंक्स हैं। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म है, एक स्लाइडिंग पेयर बन रहा है किस किस के बीच में, सिलेंडर और पिस्टन वाले पूरे लिंक के बीच में। और फिर एक बन रहा है आपका जो तीन टर्निंग पेयर बन रहे हैं, वो टर्निंग पेयर बन रहे हैं क्रैंक और लिंक फिक्स, जो फिक्स लिंक है वो और क्रैंक, मतलब लिंक वन टू के बीच में, फिर लिंक टू और थ्री के बीच में क्रैंक और कनेक्टिंग रोड पिन से जुड़ी हुई है, फिर कनेक्टिंग रोड और क्रॉस हेड के बीच, कनेक्टिंग रोड और क्रॉस हेड के यहां पर भी पिन से जुड़ा हुआ है, और फिर लिंक फोर है पिस्टन, पिस्टन रोड वाला। तो ये तो था एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दिस वॉज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। फिर आपका इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, आईसी इंजन में, आईसी इंजन में आईसी इंजन में ये क्रॉस हेड वगैरह नहीं होते हैं। आईसी इंजन में जो है क्रॉस हेड गाइड्स नहीं है, आईसी इंजन में डायरेक्ट है। क्रैंक है लिंक वन, सॉरी क्रैंक लिंक टू, लिंक वन फिक्स है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन एंड सिलेंडर। अब सिलेंडर फिक्स है, सिलेंडर फिक्स है, ये बेसिक इन्वर्जन है, बेसिक इन्वर्जन, सिलेंडर इज फिक्स्ड एंड पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द सिलेंडर। यहां पर क्रॉस हेड और गाइड्स नहीं है, देर आर नो क्रॉस हेड एंड गाइड्स बिकॉज इट इज इंटरनल कंबशन इंजन। और यहां पर भी बेसिक इन्वर्जन है कि सिलेंडर इज फिक्स्ड, क्रैंक यानी लिंक टू, लिंक टू इज रोटेटिंग, द रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, द रोटरी मोशन of the crank is converted to the reciprocating motion of the piston, और या फिर reverse भी कह सकते हैं, reciprocating motion of the piston is converted to rotary motion of the crank। ये आपकी piston है rotate reciprocate करती है and the crank goes on revolving। तो जो first inversion बताया, first inversion में क्या है, सिलेंडर रिमेन्स फिक्स्ड, सिलेंडर फिक्स जो कि बेसिक है, और यह क्या करता है, रोटरी टू
रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग टू रोटरी। क्रैंक टू पिस्टन, रेसिप्रोकेट करवाएंगे पिस्टन को तो क्रैंक रोटेट करेगी जो कि आईसी इंजन में होता ही है। इंटरनल कंबशन इंजन में आप स्टार्टिंग में तो क्रैंक से पिस्टन को एक बार रेसिप्रोकेट करवाना, इनिशियली रेसिप्रोकेट करवाते हो एंड देन द ड्यू टू द कंबशन इन द इंजन पिस्टन रेसिप्रोकेट करती है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करती है और दिस रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्टेड टू द रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक by using this mechanism. बोलो जी, समझ में आ रही है बात थोड़ी? तो ये तो था फर्स्ट इन्वर्जन। इन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है ये चीजें। नेक्स्ट इज योर सेकंड इन्वर्जन। अब फर्स्ट इन्वर्जन में तो हमने देखा कि फिक्स किया गया है किसको, सिलेंडर को। सेकंड इन्वर्जन में क्रैंक को फिक्स कर रहे हैं हम। क्रैंक फिक्स करने से हमने दो यूज किए, दो मैकेनिज्म। एक तो है रोटरी आईसी इंजन। रोटरी आईसी इंजन और जीनोम इंजन। और क्रैंक को फिक्स करने से जो दूसरा है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न कौन सा, विटवर्थ। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये क्रैंक को फिक्स करने से है, इनको अभी हम देखेंगे डिटेल में, देखेंगे रोटरी आईसी इंजन और विटवर्थ को। थर्ड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन कैसे मिल सकता है, कनेक्टिंग रोड को फिक्स करके। कनेक्टिंग रोड को फिक्स करने से थर्ड इन्वर्जन देखेंगे कौन कौन से हैं इसमें। एक तो होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो ये जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर है इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्विक रिटर्न में दो डिटेल्स में पढ़ेंगे, विटवर्थ और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। तो जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर है इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और कनेक्टिंग रॉड को ही फिक्स करके एक दूसरा मैकेनिज्म भी बनाया गया है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर।
ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म भी कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करके बनाया है। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर और ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ये दोनों बनते हैं कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने से। क्रैंक को फिक्स करने से बनते हैं रोटरी आईसी इंजन, जिसको जिनोम इंजन भी बोला जाता है। जिनोम इंजन वाज ए रोटरी आईसी इंजन, पास्ट में ये यूज हुआ था। और दूसरा विटवर्थ क्विक रिटर्न, ये दोनों क्रैंक को फिक्स करके बनते हैं। तो इन सारे मैकेनिज्म्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आपका जो फोर्थ इन्वर्जन है, अब सारे लिंक फिक्स कर करके वन बाय वन देख ही लिए हमने। सिलेंडर को फिक्स करके देखा, क्रैंक देख लिया, कनेक्टिंग रॉड देखा। अब सिर्फ एक चीज को हम और फिक्स कर सकते हैं, पिस्टन इज फिक्स्ड। स्लाइडर को ही फिक्स कर सकते हैं लास्ट इन्वर्जन के लिए। तो स्लाइडर को फिक्स करने से क्या बनेगा हमारा, हैंड पंप। हैंड पंप और पेंडुलम पंप और पुल इंजन, हैंड पंप, पेंडुलम पंप और बुल इंजन, ये सारे एक ही नाम है। हैंड पंप बोल सकते हैं, पेंडुलम पंप या बुल इंजन। तो ये आपके बनते हैं कब, जब स्लाइडर को फिक्स करते हैं आप, व्हेनेवर द स्लाइडर इज फिक्स्ड, फोर्थ इन्वर्जन। ये सारे इन्वर्जन वन बाई वन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर जो एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इसमें कनेक्टिंग रॉड को फिक्स रखते हैं। दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, इसको फिक्स रखा। और ये है क्रैंक, इससे जुड़ा हुआ है स्लाइडर। ये कनेक्टिंग रोड है जो फिक्स की गई है। कनेक्टिंग रोड है ये जो फिक्स दिखाया है, दिस इज योर कनेक्टिंग रोड, ये है क्रैंक और इससे हमने जोड़ा है स्लाइडर। अब ये जो स्लाइडर है, दिस स्लाइडर इज रोटेटिंग इन दिस स्लॉटेड बार। ये समझ लो डायग्राम ऐसा ही बन रहा है, ये स्लॉटेड बार है। सो स्लॉटेड बार में दिस बार इज होलो, ये स्लॉटेड है। इस स्लॉटेड बार में जो स्लाइडर है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। स्लाइडर इज स्लाइडिंग इन दिस बार, जैसे हमने उसमें देखा था सिलेंडर, सिलेंडर में पिस्टन या स्लाइडर जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा था। तो ये
अब थोड़ा ठीक है। तो ये सिलेंडर में रेसिप्रोकेट कर रहा था और सिलेंडर वॉज फिक्स्ड, सिलेंडर में ये रेसिप्रोकेट कर रहा था, सिलेंडर को फिक्स किया था। अब यहां पे हमने क्या किया, ये वो सिलेंडर वाला ही रोल प्ले कर रहा है, ये स्लॉटेड बार। लेकिन इस बार ये स्लॉटेड बार फिक्स नहीं है, स्लॉटेड बार इज नॉट फिक्स्ड, बट द कनेक्टिंग रोड इज फिक्स्ड। और क्रैंक के, इस क्रैंक के एक एंड तो यहां पर है जो हिंज से कनेक्ट किया गया है। क्रैंक और कनेक्टिंग रोड यहां पर एक हिंज है और दूसरी हिंज है कहां कहां पर, पिस्टन और क्रैंक के बीच, पिस्टन और क्रैंक में भी एक हिंज है। तो होता यह है कि दिस स्लॉटेड बार, जो आपकी स्लॉटेड बार है, ये तो ऑसिलेट करती है। इसको कनेक्ट करेंगे किससे, इसको कनेक्ट करते हैं हम रैम से। ये टूल लगा हुआ है, दिस इज योर रैम, ये रैम है और रैम के आगे टूल लगा हुआ है, ये स्लॉटेड बार है। ये है क्रैंक और ये है स्लॉटेड बार। मोशन कैसे होता है इसमें, मोशन ऐसे होता है कि क्रैंक इज रोटेटिंग, क्रैंक रोटेट करती है और स्लॉटेड बार रेसिप्रोकेट करती है, स्लॉटेड बार रेसिप्रोकेट करती है। एक्सट्रीम पोजीशंस देखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन जब क्रैंक रोटेट करेगी, क्रैंक रोटेट करके लेफ्ट साइड में आएगी, मान लीजिए क्रैंक विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉक में लाएंगे तो क्रैंक आपकी मान लो यहां आ गई, क्रैंक की पोजीशन ये है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये एंगल इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री, स्लॉटेड बार और क्रैंक के बीच में एंगल एक्सट्रीम पोजीशन पे 90 डिग्री होगा। और एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है वो है आपकी राइट साइड, राइट साइड जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां भी एंगल विल बिकम 90 डिग्री। तो ये स्लॉटेड बार की लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, एंगल 90 डिग्री है क्रैंक और इसके बीच में, और इसी तरह राइट एक्सट्रीम पोजीशन में भी एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें कुछ समझ में आए या ना आए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन आते हैं, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना सबसे जरूरी है। मतलब जो क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन कैसे करना है वो देखेंगे कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाना जरूरी है। ये जो 90 डिग्री के एक्सट्रीम पोजीशंस में मैंने दिखाए हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, सिर्फ एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा, ये रहेगा फिक्स्ड कनेक्टिंग रोड, ये 90 डिग्री है, इनमें से दो लेंथ गिवन होंगी, दो लेंथ गिवन होंगी, ये एंगल निकालना है। चलो देखो जरा कैसे होता है मोशन। कनेक्टिंग रोड फिक्स किया, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले मोशन देख लेते हैं। ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड आपकी फिक्स है और क्रैंक रोटेट कर रही है, क्रैंक रोटेट कर रही है और ये इसके अंदर स्लाइड, स्लॉटेड बार में स्लाइड करेगा। ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन है, एनिमेशन से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई मिड पोजिशन है सी, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन सी वन,
राइट एक्सट्रीम पोजीशन सी टू। इसी तरह रैम के केस में, रैम का जो केस है ये पोजीशन इस वक्त दिस इज आर, और जो लेफ्ट एक्सट्रीम होगा तो आर वन होगा, राइट एक्सट्रीम पोजीशन में दिस विल बी आर टू। राइट एक्सट्रीम पोजीशन मान लो आर टू। स्लाइडर कब स्टार्ट होगी? तब जैसे कटिंग स्टार्ट होगी तो यहां इनिशियली ये मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, क्रैंक भी एंटी क्लॉक जा रहा है और स्लॉटेड बार भी एंटी क्लॉक जा रहा है। फिर जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम में आएगी, जब स्लॉटेड बार लेफ्ट एक्सट्रीम में आ चुकी होगी तब स्लॉटेड बार की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब कटिंग यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। कटिंग स्टार्ट होती है राइट एक्सट्रीम से और कटिंग फिनिश होती है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, और लेफ्ट एक्सट्रीम के बाद रिटर्न चालू हो जाती है, रिटर्न चालू होती है लेफ्ट एक्सट्रीम पे और फिर रिटर्न फिनिश होती है राइट एक्सट्रीम पे, फिर कटिंग चालू हो जाती है और ऊपर से रैम मूव करता रहता है देखो कटिंग और रिटर्न में। तो जो कटिंग एंगल है वो बड़ा है, कटिंग एंगल इज बिगर और रिटर्न एंगल शॉर्टर है। देखो फिर से देखो, कटिंग एंगल जो है वो बड़ा है, रिटर्न एंगल छोटा है। तो यहां पर हम वो एनिमेशन में अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा था, यहां हम देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है बी वन टू बी टू, कटिंग हो रही है बी वन टू बी टू और रिटर्न हो रहा है बी टू टू बी वन। जो कटिंग एंगल है वो है बीटा और रिटर्न हो रहा है बी टू टू बी वन, तो रिटर्न एंगल एट सपोज अल्फा, कटिंग एंगल बीटा एंड रिटर्न एंगल अल्फा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन बी वन से बी टू कटिंग, रिटर्न आएगी बी टू टू बी वन। ये कन्वर्ट किसने किया? कन्वर्ट हुआ रोटरी टू ऑसिलेशन क्रैंक रॉकर, एक कंप्लीट रोटेशन क्रैंक है, दूसरा ऑसिलेट कर रहा है स्लॉटेड बार, सो ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन ऐसे होता है कि क्विक रिटर्न रेशियो पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्विक रिटर्न रेशियो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी दे रखा होगा एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में कुछ भी नहीं करना है, कितनी भी लेंथ कहीं पर भी दे रखी हो सबसे पहले एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये आपकी फिक्स रहेगी कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड की लेंथ विल बी गिवन, क्वेश्चन में कनेक्टिंग रोड की लेंथ दे रखी होगी, या तो ये लिखा होगा कि द लेंथ बिटवीन फिक्स्ड सेंटर्स, लिखा हुआ होगा लेंथ बिटवीन फिक्स्ड सेंटर्स इज दिस। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अगर क्विक रिटर्न रेशियो पूछा है तो क्या करेंगे, एक बनाएंगे 90 डिग्री का ट्रायंगल
और गिवन डेटा में रहेगा लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड या लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर्स, और दूसरा रहेगा लेंथ ऑफ द क्रैंक, क्रैंक का लेंथ गिवन होगा। तो जब ये क्रैंक का लेंथ मतलब ये आपके पास में अवेलेबल है और कनेक्टिंग रोड की भी लेंथ अवेलेबल है, तो जब दो डिस्टेंस पता है ट्रायंगल में 90 डिग्री में, तो ये एंगल निकाल लेंगे। और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी अल्फा बाई टू, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये बी वन है, ये बी है, सॉरी ये बी वन है, ये आपका ओ है, ये ओ मान लो सेंटर में, और ये है ए। तो हमें क्या करना है, जब ये 90 डिग्री बनाएंगे, लेंथ बिटवीन द फिक्स सेंटर्स कनेक्टिंग रोड, लेंथ ऑफ द क्रैंक गिवन है, ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल कितना होगा अल्फा बाई टू। और बस ये एंगल निकालने के बाद में आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि क्विक रिटर्न रेशियो जो होता है, क्विक रिटर्न रेशियो इज क्विक रिटर्न, इसीलिए बोला गया ना इसको क्विक रिटर्न, मतलब ये रिटर्न तो जल्दी हो जाती है, रिटर्न में इट टेक्स लेस टाइम और कटिंग में इट टेक्स मोर टाइम। कटिंग टाइम अपॉन रिटर्न टाइम, दैट इज एंगल बीटा अपॉन अल्फा। बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये हमेशा एक से ज्यादा रहता है, एंड बीटा विल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री माइनस अल्फा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लेंगे, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे, लेंथ गिवन होगी क्रैंक की कनेक्टिंग रोड की, और एंगल निकल आएगा अल्फा बाई टू। एंगल अल्फा बाई टू आ गया तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा बाई टू आने के बाद अल्फा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा, बीटा विल बी 360 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 360 डिग्री है, 360 डिग्री निकाल लेंगे, सॉरी बीटा निकाल लेंगे और बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा क्विक रिटर्न रेशियो। ये तो आता है क्वेश्चन, स्ट्रोक लेंथ निकाल लेते हैं, वैसे पूछा तो जाता नहीं है ये, बहुत कम आता है, मेनली तो क्विक रिटर्न रेशियो ही पूछते हैं। स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ देखिए, स्ट्रोक लेंथ है आर वन टू आर टू, स्ट्रोक लेंथ इज आर वन आर टू, दैट इज इक्वल टू सी वन सी टू ऑल्सो, R1 R2 जो है C1 C2 के बराबर है, और C1 C2 C1 से C2 जो है हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला ये, और इस पॉइंट का नाम दिया M।
सी वन से सी टू जो है वो कितना हुआ, डबल ऑफ सी वन एम। देखो स्ट्रोक लेंथ देख रहे हैं, स्ट्रोक लेंथ इज आर वन आर टू दैट इज सी वन सी टू, सो सी वन सी टू डबल है सी वन एम का। स्ट्रोक लेंथ आर वन आर टू है, सी वन सी टू है, डबल है सी वन एम का। और सी वन एम क्या है, क्या सी वन एम को हम लिख सकते हैं, सी वन एम विल बी इक्वल टू ए सी वन कॉस अल्फा बाई टू। देखो नोटबुक में लिख लो, स्ट्रोक आर वन आर टू है, सी वन सी टू है, टू सी वन एम है, डबल ऑफ सी वन एम। और सी वन एम कितना है, सी वन से लेके एम तक ये आएगा ए सी वन। ए सी वन कॉस अल्फा बाई टू, ये डायग्राम फिर से बनाते हैं। यहां देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल इस ट्रायंगल में हमने देखा, इस ट्रायंगल में हमने देखा कि दिस एंगल इज अल्फा। ये 90 डिग्री था, ये एंगल अल्फा बाई टू था, दिस एंगल वाज 90 माइनस अल्फा बाई टू। ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना गिवन है, ये सी वन है, ये बी वन है, और ये ए है, और दिस इज एम। तो स्ट्रोक लेंथ सी वन सी टू दैट इज डबल ऑफ सी वन एम। और सी वन एम कितना है, सी वन एम विल बी इक्वल टू ए सी वन साइन 90 माइनस अल्फा बाई टू। साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, कोस अल्फा। तो स्ट्रोक लेंथ कितना आ गया, स्ट्रोक लेंथ विल बी इक्वल टू टू ए सी वन कोस अल्फा बाई टू। और कोस अल्फा बाई टू क्या है, कोस अल्फा बाई टू, यहां से देखो कोस अल्फा बाई टू क्या है, ये क्या था ओ। ओ बी वन अपॉन ओए, तो स्ट्रोक लेंथ क्या आ गया, टू ए सी, ए सी वन, ए सी वन और ए सी तो बराबर ही है, इंटू कोस अल्फा बाई टू। कोस अल्फा बाई टू यानी ओ बी वन बाई ओ ए, और ओ बी वन और ओ बी बराबर है, तो स्ट्रोक लेंथ आ गया टू इंटू ए सी। क्या है ए सी, ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार। देखो ए सी क्या है, लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार है। ओ बी क्या है, ओ बी, ओ बी इज द लेंथ ऑफ क्रैंक, एंड ओ ए क्या है, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड। भाई ए सी क्या है, लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार है, ओ बी लेंथ ऑफ द क्रैंक है, ओ ए लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड है।
जो स्ट्रोक आ जाएगा वो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू लेंथ ऑफ क्रैंक ऑन लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड, यह आ जाएगा स्ट्रोक। ये था आपका क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और नेक्स्ट आपका हम देखेंगे बाकी जो मैकेनिज्म्स बचे हुए हैं सिंगल स्लाइडर के, वो देखेंगे। तो उससे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। यू हैव टू इंस्टॉल दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप सो दैट यू कैन गेट द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ नोट्स एंड ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव क्लासेस। ये सारी चीज़ें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हैं। डेली लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट और क्विजेज आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। देन यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस है आपके जितने भी लाइव कोर्सेज होंगे और रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे सभी यू कैन इजीली एक्सेस विद द एकेडमी लर्निंग है। तो ये सारी चीजें जो अभी आपको बताई हैं ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलती हैं। अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं सो यू गेट द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेज। फिर प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद देयर इज ए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लस के एडवांटेज तो उसमें है ही, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। एंड एडिशनली पर्सनल कोच है, स्टडी ट्रैकर भी है और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है। प्लस के ये बेनिफिट्स ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है ही, आपकी डेली लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ये सब प्लस में है ही ऑलरेडी। एंड यू कैन लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स। टॉप एजुकेटर्स आर नाउ टीचिंग ऑन एन अकेडमी प्लस। तो एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके। गेट एंड ईएससी में ये देख सकते हैं आप, ऑल दी कोर्सेज आर अवेलेबल। प्लस प्लान के अंदर 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक के स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल हैं। कोई सा भी आप प्लान इसमें से चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जितना आपको ड्यूरेशन वाइज यहाँ पर प्लान अवेलेबल हैं। सो जितनी ड्यूरेशन के लिए प्लान रहेगा उतनी ड्यूरेशन में जो भी कोर्सेज होते हैं वो सब आप अवेल कर सकते हैं। एंड ये फी स्ट्रक्चर है सो एंड दिस इज माय कोड। डिस्काउंट अवेलेबल है लॉन्गर ड्यूरेशन पे और अगर आप ये कोड यूज करेंगे दिस कोड विल गेट यू 10% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस। By using this code TEEPAK101 आपको 10% ऑफ इंस्टेंटली मिलता है। कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन बाई। फिर ये आइकॉनिक प्लान्स के पीस है। आइकॉनिक में 2 मंथ्स अवेलेबल हैं, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, दो कोर्सेज हैं। तो 24 मंथ्स में अगेन यू हैव अ डिस्काउंट और 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो है ही। अगर आप यूज करेंगे तो रिकॉर्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलता ही है 10% का डिस्काउंट। फिर आइकॉनिक में पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी प्लानर है और प्रिपेरेटरी स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद एन अकेडमी। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है से ज्वाइन करना आप मत भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं सभी टेलीग्राम ग्रुप पर अपने नोटिफिकेशंस, अपने जो
मैसेज वहाँ पर देते हैं कि कब उनके नेक्स्ट वीडियोस, कब वो नेक्स्ट वीडियोस आपके अपलोड करने वाले हैं और कब वो लाइव आने वाले हैं। तो ये लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं सभी एजुकेटर्स के। तो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस, सॉरी हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस एंड यूज माय कोड टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विटवर्थ क्विक रिटर्न में मोशन मैकेनिज्म, और जो मैकेनिज्म बचे हैं सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन्स वो सारे, और देन वील स्टार्ट विद द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अभी तक जो भी पढ़ा है हमने इसको रिवाइज करिए, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें।